हेलो दोस्तों, दिस इज अजास इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 8 ऐसे अपडेट जो कि जस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे जन के इसमें आ भी चुके हैं। आप देखेंगे ना तो भाई जस्ट इतना कहूँगे ऑप्शन सर, ये हमारे इस पर कब आने वाले हैं। मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ, इसे कर देते यहाँ से स्टार्ट। आप मुझे ज़रूर बताना कौन कौन से अपडेट आपके इसमें आ चुके हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे वीडियोज़ भाई लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। लास्ट में कुछ ऐसी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके बहुत ही काम के रहते हैं। भाई लाइफ के थोड़ा सा 10 मिनट निकाल लिया करो मेरे वीडियोस देखने के लिए, ओके, और लाइक जरूर कर दिया करो। भूल जाते हो आप लाइक करने के लिए, लाइक से ही तो मुझे मोटिवेट मिलता है भाई। हम चलते हैं डायरेक्टली, इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। ये इंस्टाग्राम ओपन हो गया है, कोई और अनफॉलो हैशटैग, भाई क्या बात है, ये अच्छा दिखाई दे रहा है कि भाई कोई हैशटैग आप फॉलो कर रहे हो तो उसको अनफॉलो भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना। और हैशटैग कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो डोंट शो फॉर दिस हैशटैग, भाई ये भी कर सकते हैं। हैशटैग को भी आप फॉलो कर सकते हो, उसके भी वीडियोस बहुत ज़्यादा, मतलब एक हैशटैग जैसे मेरा एजाज इंजीनियर हैशटैग है, मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस बनाया और ऊपर में हैशटैग दिखा रहा है, तो आप मेरे हैशटैग को फॉलो भी कर सकते हैं और नॉन फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला अपडेट जो दिखाई दे रहा है वो है टिप्स एंड रिसोर्सेज में रील्स ट्रेंड। भाई ये एक अपडेट जो सबके इसमें आने वाला है, और आपके मान के चलिए अल्गोरिथम, आपका जो अकाउंट है उसके अल्गोरिथम के हिसाब से आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स बताए जाएंगे, कौन कौन से ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आपके इसमें चल रहे हैं। यहाँ पर लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखाई देंगी नीचे में, पहले इसमें द हाउस, रॉकिंग, और ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं, तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाना है। ये तो सबसे पहला हैशटैग है, मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1, ट्रेंडिंग नंबर 4, इसके ऊपर में भी ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है, ठीक है। ये आपके पास आया है या नहीं रील्स ट्रेंड्स का मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपके इसमें शॉप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेक प्रोडक्ट एंड क्रिएटिव शॉप। यहाँ पर मैं क्लिक करके डायरेक्टली, कंटेंट नॉट अवेलेबल है, अभी अवेलेबल नहीं है, जल्द से जल्द आ जाएंगे तो भाई इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। शॉप को आप अगर चेक करना है तो आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ से क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेटअप अ शॉप, ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं, पर अभी कंटेंट अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा बच के रहना आप, ओके। यहाँ से मैं बैक करता हूँ, अगर मैं प्लस बटन पर जाता हूँ, ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये प्लस बटन पर आ गया हो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टोरी के बाजू में लाइव, ओके, लाइव तो आपको इजीली दिख जाता है, उसके बाजू में नोट दिखाई दे रहा है। अगर मैं नोट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक मैं नोट शूट करके डायरेक्टली अपलोड भी कर सकता हूँ। भाई बहुत काम का है ये नोट, तो आपको कैसा लगा ये नोट के बारे में, अगर मैं यहाँ से शूट करता हूँ तो कुछ कुछ बोल देता हूँ तो भाई नोट भी बन जाएगा हमारा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए ये आ गया है नोट, और डायरेक्टली मैं इसे शेयर कर सकता हूँ छोटा सा कुछ भी बोलने के लिए। अच्छा है, नोट का ऑप्शन आपके इसमें आएगा नहीं मुझे ज़रूर बताना। ये तो हो गया है, उसके बाद में जो है रील्स है, और रील्स के बाद में स्टोरी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टोरी शूट कर लिया हो, कोई भी एक स्टोरी ले लेते हैं, ठीक है, ये स्टोरी आ गया है। स्टोरी आने के बाद यहाँ पर देखिए आप ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। ये जो है 1-2 मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, कैमरेज पर जाता हूँ, और कैमरेज पर जाने के बाद इधर से मैं अपनी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, अच्छी फोटो आई है ना, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर जाने के बाद क्रिएट पे जाता हूँ, और यहाँ से जो मैंने अभी जस्ट फोटो किया था उसको ले लेता हूँ। जे अब देखिए क्रिएटिंग स्टिकर, मेरा एक खुद का स्टिकर बन रहा है, तो आपके इसमें आया या नहीं बता देना यार भाई मुझे भी, अगर नहीं आया तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा स्टिकर का ऑप्शन, अच्छा है ना, स्टिकर बन रहा है। ये देखिए मेरा स्टिकर बना दिया बंदे ने, यूज़ स्टिकर, मैं स्टिकर यूज़ भी करूँगा अपना, देखते कहाँ लगा सकता है स्टोरी में बैठकर, क्योंकि वो डायरेक्टली बड़ अच्छे से कटिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए मेरा स्टिकर बन गया, और ये मैं स्टिकर यहाँ पर लगा देता हूँ, या यहाँ पर लगा देता हूँ, जहाँ पर भी मुझे लगेगा मैं स्टिकर लगा सकता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ये छोटा भी है, इधर बैठ जा भाई तू, हाँ ये मेरे स्टिकर लगा दिया, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टिकर भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये अपडेट आया कि नहीं मुझे ज़रूर बताना, इससे कर देता हूँ मैं डायरेक्टली बैक। हाँ अब आपके इसमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप प्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, नीचे आते तो यहाँ पर आपको ग्रुप प्रोफाइल का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो भाई अच्छा है। अभी ग्रुप प्रोफाइल में 2 चीज़ें हमारे इसमें, मेंबर है, एडमिन है, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया इसके बारे में भी, चेक कनेक्शन, प्लीज़ चेक द इंटरनेट कनेक्शन, ट्राई अगेन, कनेक्शन सब कुछ है, पर अपडेट नहीं आया, बस शो करने लग गया कि भाई ये चीज़ें आपके इसमें आ सकती है, तो आगे चल के हम इसके लिए भी ज़रूर तैयार रहेंगे भाई, क्या क्या है तो पता चल जाएगा हमको। और अलाउ रीयूज फॉर रील्स, रीयूजेस फॉर फीड, और इधर रीयूजेस भाई, रीयूज रीयूज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना है। नेक्स्ट जो है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट यहाँ से नीचे आएंगे आप, अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगा आपको, क्रिएटर एंड टूल्स, यहाँ से आप लास्ट में देखेंगे तो आपको देखा अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट,
ठीक है, मतलब कोई भी आपको अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं ऑन कर दूंगा, तो कोई भी मुझे अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। ओके, तो भाई ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। और कैसे भेजते, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कोई भी एक वीडियोस आ गया मेरे पास, यहाँ पर मैं प्लस बटन पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपके इसमें अवतार आ रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देता है। जस्ट वेट ए मिनट, प्लस बटन, हाँ यहाँ पर ही आपको एक अपॉइंटमेंट का ये भी दिखाई देगा। अच्छा, इसके बाजू में तो नहीं है, सेव रिप्लाइज इंस्टेंटली, ये है आपका GIF फाइल। अच्छा, ये भी है और यहाँ से GIF भी है, मतलब दोनों है। चलो ठीक है, जो भी है, बहरहाल इससे हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, उसके बाद जो है कमेंट स्टोरी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये वीडियोस चल रहे हैं लोगों के, ठीक है, कोई भी एक वीडियो लेता है, ये वीडियोस मैंने, हाँ ये वीडियोस यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, कोई भी एक कमेंट लेता है, कैनेडा ऑटोट्यून, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ऊपर में देखिए दिखाई दे रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली स्टोरी बनाकर मुझे दे देगा। अब आप क्या कर सकते हैं, 60 सेकंड की स्टोरी लगा सकते हैं बिना कोई टूटे फूटे, भाई बहुत अच्छी बात है। इसको मैं कहीं पे भी लगा सकता अगर मुझे लगता है तो, यहाँ पर मैं फिट कर सकता, पर इसमें आप अपना खुद का नहीं लगा सकते। अगर आपको खुद का लगाना पड़ेगा तो डायरेक्टली रिप्लाई करके आपको कमेंट करना पड़ेगा, मतलब भाई कमेंट में रिप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई है, आप डायरेक्टली इनका ये नीचे में सेकंड दिखाई दे रहा है, कितने सेकंड्स का लगा सकते हैं ये भी पता चल जाता है, पर 60 सेकंड का आप लगा सकते हैं। हाँ, अब ये हो गया हमारे इसमें, अब इसका मैं रिप्लाई करूँगा तो नीचे में दिखाई दे रहा है रिप्लाई टू एनी कमेंट्स विद रील्स, रील्स के साथ मैं अभी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए कैनेडा ऑटो, इसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। हाँ, पर एक चीज़ है, जब मैं शूट करूँगा ये गायब हो जाएगा, ठीक है, तो आप टेंशन में लें। देखिए मैंने शूट करा, ये गायब हो गया, ताकि भाई अच्छे से मेरे को पता चल जाए मैं कहाँ कहाँ हूँ, ठीक है। टाइम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसे मैं ये कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। इतना तो हमारे इसमें हो गया है। शेयर विथ मैसेज, हाँ इसके बाद एक अपडेट और है हमारे इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक वीडियोस और दूसरा ले लेते हम, अच्छा वाला वीडियोस, हाँ ये वीडियोस मुझे लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा शेयर पे क्लिक करूँगा तो ये इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है तो मैं एक दो तीन किसको भी ले सकता हूँ, और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैसेज भी कर सकता हूँ, हाय एवरीवन। और ये क्या होगा, सेपरेटली सबको मैसेज जाएंगे हाय एवरीवन, मतलब मैं रील्स तो शेयर कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरे मैसेज भी इनके पास जाने लग गए हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैक करूँगा, बस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर गया हूँ। और भी कुछ अपडेट है तो आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाएंगे, सेव आर्चियो एक्टिविटी टाइम स्पेंड के ऊपर में भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इनसाइड पर जाएंगे तो इनसाइड में भी अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। बैक कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है। फंड रेजर, ऑर्डर एंड पेमेंट, भाई ये तो उसके बारे में है, जस्ट कंप्लीटेड मेटा वेरीफाइड से रिलेटेड ले चुके थे। अब हाँ बस इतना ही आज के लिए, तो इसे कर दो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बन। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल अजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।